हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। आज आपको जो है हाई, काफ़ी टाइम से बेसिकली वो आ रही थी, फरमाइश आ रही थी हाई नेक बताया जाए कि हाई नेक जो है किस तरीके से स्वेटर में बनाया जाता है। तो देखिए, ये मैंने एक फुल स्वेटर बनाया हुआ है, इस पे मैं आपको हाई नेक बताने जा रही हूँ कि हाई नेक हम इसमें हाई नेक की कटिंग किस तरीके से करेंगे और हाई नेक किस तरीके से बनाएंगे। मोटी वूल से बनाया हुआ है ये, तो इसमें फंदे मेरे बेसिकली कम है। तो आप देखिएगा मैं किस तरीके से आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसमें कटिंग करेंगे। तो देखिए, इन जनरल वैसे मैं आपको दो तीन चीज़ें यहाँ बताने चाहूँगी कि जब हम नॉर्मली बड़ों के लिए जो मैं ये बना रही हूँ, आर्म होल से लेकर ऊपर तक हम 9 से 10 इंच रखते हैं। जनरली मैं 10 इंच रखती हूँ। उसके लिए हर एक गले की जो कटिंग होती है वो अलग अलग होती है। अगर वी गले की कटिंग है तो जस्ट जैसे ही मैंने ये कटिंग आपके आर्म होल की कटिंग की, वैसे ही वी गले की कटिंग मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ। और उसके बाद रही बात गोल गले की, तो गोल गले की मैं ये कटिंग करने के बाद 5 या 5.5 इंच बनाती हूँ, उसके बाद गोल गले की कटिंग करती हूँ। अब आ जाते हैं हम हाई नेक पे। हाई नेक के लिए हमें जस्ट ऊपर ऊपर कटिंग करनी होती है। तो देखिएगा, मैंने ये यहाँ से आर्म होल से लेकर यहाँ तक 8 इंच रखा है। 10 इंच मैंने पूरा बनाना है, 10 इंच बनाना है। तो आर्म होल से लेकर यहाँ तक मैंने अभी 8 इंच बनाया है दोनों साइड। हाई नेक के लिए हम दोनों साइड एक जैसी कटिंग और एक जगह पे हम करते हैं, ऊपर नीचे नहीं करते हैं। बाकी जगहों पे ऑब्वियसली बैक की कटिंग हमेशा ऊपर होती है। हाई नेक में फ्रंट की कटिंग भी ऊपर होती है और बैक की कटिंग भी ऊपर होती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे देती हूँ किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे जो है 76 फंदे बचे हुए थे। कटिंग करने के बाद मेरे पास 76 फंदे हैं। अब उन 76 फंदों को मैं किस तरीके से डिवाइड करूंगी, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, शोल्डर पे मैंने, अब देखिएगा 76 फंदे हैं, शोल्डर पे 16 फंदे रखूंगी मैं। 16 प्लस 16 यानी कि दोनों शोल्डर पे, और यहाँ पे आ गए आपके 32 फंदे। मोटी वूल है, फंदे कम है, इसीलिए शोल्डर पे 16 रख रही हूँ। हमेशा हम मोटी वूल के हिसाब से गले के फंदे, आर्म होल के फंदे और शोल्डर के फंदे रखते हैं। पतली वूल होती तो मैं कम से कम 22 फंदे यहाँ पे रखती। अब ये मोटी वूल है तो मैं 16 और 16 फंदे दोनों तरफ जो है रख रही हूँ। अब देखिएगा, 32 फंदे आ गए। अब 76 माइनस 32 अगर आप करेंगे तो हमारे पास 44 फंदे बचे। 44 में जो है, अब मैंने हाई नेक गला बेसिकली बनाना है। तो हाई नेक इस तरीके से होता है, तो ये देखिएगा, ये जस्ट ऊपर ऊपर कटिंग होती है। अब कटिंग जो है सेंटर में मैं 24 फंदों की करूँगी। जो सेंटर में हम घटाते हैं एक साथ एक एक करके, 24 फंदे मैं घटाऊंगी, और उसके बाद मेरे पास 10 फंदे यहाँ बचेंगे और 10 फंदे यहाँ बचेंगे। ये देखिए, 10 10 20 20 और 20 44, यानी कि 44 फंदे टोटल में हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं सेंटर में 24 फंदे बंद करूंगी। अब मेरे पास 10 फंदे यहाँ बचे हैं, 10 फंदे इस साइड बचेंगे और 10 फंदे इस शोल्डर पे। अब देखिएगा, दोनों शोल्डर की कटिंग इस तरीके से होगी। फिर 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 3 2 2 2 और 1, इस तरीके से इसकी कटिंग मैं करूंगी। उसके बाद इसमें मैं फंदे उठा के हाई नेक बनाऊंगी। जितना चौड़ा आपने हाई नेक रखना होगा उतना चौड़ा इसमें आप बना सकते हैं। तो देखिएगा, ये इस तरीके से जो है हाई नेक की कटिंग जस्ट ऊपर होती है। अगर हम, ये शोल्डर है हमारा, यहाँ से आर्म होल से लेकर शोल्डर तक ये 10 इंच होता है। हाई नेक के लिए हम 8 इंच तक पहले बनाएंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। बाकियों के लिए हम उस हिसाब से कटिंग करते हैं। हाई नेक के लिए हम ऊपर ऊपर कटिंग करते हैं ताकि वो ढंग से प्रॉपर वैसे हमारे उसमें आए। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ इसी तरीके से, यही सेम प्रोसीजर करके मैं इसमें जो है कटिंग दोनों तरफ करूँगी, आगे की भी और पीछे की भी। तो चलिए इसमें अब कटिंग करते हैं हम। तो चलिए देखिए, पहले इसमें शोल्डर के 16 फंदे प्लस जो साइड में मैंने 10 फंदे रखने हैं, यानी कि 16 प्लस 10 26 फंदे पहले मैं इसमें जैसे बनाए हैं वैसे बनाऊंगी। अगर आपने डिज़ाइन डाला है तो आप इसमें जो है डिज़ाइन कंटिन्यू
करेंगी। तो चलिए पहले हम ये 26 फंदे बना लेते हैं। अब ये देखिएगा 26 फंदे मैंने इसमें बना लिए। ये इस साइड 26 फंदे अभी मैंने रखे हैं, जो 16 फंदे हम शोल्डर पर रखेंगे और 10 फंदे उसके। अब देखिएगा ये जहाँ से मैं बंद करना एक एक करके सेंटर में शुरू करूँगी, तो 24 फंदे मैंने बंद करने हैं। अब बंद करने का प्रोसीजर सेम है, एक बुना आपने, दूसरा बुना बैक वाला उसके ऊपर से आपने ऐसे डाल दिया, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इसी तरीके से आपने जो है 24 फंदे करने हैं। देखिए ये लास्ट वाला फंदा है, ये 24 फंदे हमने एक एक करके आप देखेंगे इस तरीके से, इस पे डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये फंदे हमने सेंटर में बंद कर लिए। अब इसके बाद मैं 3, 2, 2, 2 और 1 करूँगी, यानी कि हर सीधी सिलाई में पहले तो ये सिलाई पूरी बुनूंगी, जिस तरीके से बुनना है, जो भी इसमें डिज़ाइन डला हुआ है उसे मैं पूरा करूँगी, और अगली सिलाई उल्टी करने के बाद फिर सीधी सिलाई में मैं 3 फंदे बंद करूंगी। तो अभी देखिए पूरी सिलाई ऐसे करने के बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे, तो देखिए ये आ गए हम, उल्टी लाइन पूरी कर ली। यहाँ पे ये चीज़ का आपको बताना चाहूँगी, उल्टी लाइन पूरी करने के बाद ये वाला फंदा मैं ऐसे ही रखती हूँ, बिना बुने हुए उतारती हूँ। अब आपने फिर मोड़ा इसे, अब सीधी लाइन पे हम आए, पहले बार हमने 24 फंदे बंद किए हैं, अब हम 3 फंदे बंद करेंगे। तो देखिएगा पहला फंदा ऐसे है, बिना बुने हुए उतारा हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा आप। इसमें से मैं पिछले वाले फंदे को इस तरीके से निकाल के ऐसे करूँ, एक अगेन बुना आपने, दो अगेन बुना आपने, तीन। अब देखिएगा आप यहाँ पे बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ नहीं आया। नॉर्मली आप देखते होंगे कि जब भी आप इस तरीके से गले की कटिंग या आर्म होल की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे अजीब सा एक थोड़ा सा गैप सा आ जाता है, उबड़ खाबड़ सा आ जाता है। आप ये देखेंगे, आप अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल भी आपके जो है कहीं से इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देखेंगे बिल्कुल स्मूथ आया है। देखिए अब अगेन वही पूरा सेम करूँगी जैसे डिज़ाइन डाला है, और उल्टी सिलाई करने के बाद फिर मैं दो 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 3 बार करूँगी और एक सिंगल फंदा करूँगी। तो पूरी इसी तरीके से मैं दोनों साइड से जो है गले की जो है कटिंग करूंगी हाई नेक के लिए, और उसके बाद हम इसमें फंदे उठाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से ही हम एग्जैक्टली जो है कटिंग करेंगे। अब इसके बाद जो है 3 कर लिया, अब 2 करेंगे, उसके बाद 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे और फिर 1 करेंगे। हर सीधी लाइन में कटिंग होगी और दूसरे साइड से हर उल्टी लाइन में इसी तरीके से कटिंग होगी। इतनी ही करेंगे, इसके बाद हम उसे बनाएंगे नहीं, और बैक साइड भी उसी तरीके से सेम करेंगे, और उसके बाद हम फंदे उठाएंगे हाई नेक गले के लिए। तो चलिए अब इसे मैं पहले पूरा कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने दोनों तरफ से जो है कटिंग कर ली है, आप देखेंगे इस तरीके से ये कटिंग आई है, ऐसे कटिंग आती है, देखिएगा जस्ट ऊपर ऊपर कटिंग आई है। आप ये देखेंगे इतना ही बचा है, ऊपर ऊपर कटिंग आई है। अब इसके दोनों पार्ट्स के आगे पीछे के शोल्डर्स को मैं अटैच कर दूंगी। शोल्डर्स अटैच करना मेरे चैनल पे बताए हुए हैं, अगर किसी को नहीं आते हो तो। अब मैं इसके शोल्डर अटैच करूंगी और फिर हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे पूरे गोलाई में। और इस बार मैं आपको यहाँ पे राउंड पिन से, हर बार फरमाइश आ रही है कि राउंड पिन से, जो राउंड सर्कुलर निडल है बेसिकली, उससे हम किस तरीके से राउंड बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे आज मैं आपको राउंड नीडल से, सर्कुलर नीडल से गला बनाना बताती हूँ कि हाई नेक गला हम सर्कुलर नीडल से, या कोई भी ऐसी वो आप सर्कुलर नीडल से किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए पहले अब इसके शोल्डर्स हम जोड़ देते हैं।
देखिए ये मैंने दोनों शोल्डर्स आपस में अटैच कर दी है, और आप ये देखेंगे ये गला बना हुआ है, ऊपर ऊपर ही बना हुआ है गला। अब हम इसमें फंदे उठाएंगे। मोटी वूल है तो मैं कोशिश करूंगी कि 90 से 100 तक के बीच में फंदे उठे। 90 भी उठ जाएंगे तो एनफ है, क्योंकि मोटी वूल है। पतली वूल के लिए आपको 110, 120 इस तरीके से फंदे उठाने होते हैं। यहाँ पे मैं एक एक जो मैंने बेसिकली एक ये देखेंगे आप, ये फंदा जो बंद किया हुआ है इसमें से एक एक फंदा उठाऊंगी। तो देखती हूँ 90 फंदे इज एनफ आई थिंक सो। तो मैं अब इसमें फंदे उठाती हूँ 90 से 100 तक बीच में। जो फंदे एक दो फंदे ऊपर भी उठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 फंदे मैं कोशिश करूंगी इसमें उठे, क्योंकि ये डबल वूल से बना रही हूँ, मोटी वूल है तो मैं फंदे कम रखूंगी। और उसके बाद दो सीधे दो उल्टे का इसमें जो है क्रम बनाऊंगी। अब देखिए ये जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का जो ये शोल्डर मैंने अटैच किया है, यहाँ से मैं फंदे उठाना शुरू करूंगी। तो आप देखेंगे ये देखिए ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से इस तरीके से डालेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं इसमें आपको सर्कुलर नीडल पे बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से बंद जो चीज़ें आपने बनानी होती है, चाहे वो ग्लव्स है, चाहे वो हाई नेक गला है, चाहे वो आप नेक बनाना चाहोगे, बच्चों की टोपी राउंड में बनाना चाहोगे, आप राउंड नीडल से, सर्कुलर नीडल से उसे किस तरीके से बना सकते हो। तो चलिए आज मैं इसमें आपको सर्कुलर नीडल का यूज़ भी करना बताऊंगी। तो देखिएगा ये इस तरीके से डालेंगे हम। ये मोटी वूल से कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैंने 6 नंबर की सिलाई ली है। अब इस पे आप इस तरीके से लेंगे, ऐसे करके एक फंदा निकला देखिए इसमें से। अब इसी तरीके से यहाँ से देखिएगा ये एक और दिख रहा है, ये देखिए एक एक फंदा हम ऐसे उठाते हुए जाएंगे। जैसे आप थोड़ा सा बैक कीजिएगा, अगेन आपने उठाया, फिर इस तरीके से लपेटा, निकाला, 3 हो गए। एक एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे, और जहां आपके पास यहां भर जाएंगे आप इसे पीछे करते जाइएगा। तो ये देखिए ऐसे किया, अगेन डाला आपने, अब आपने पूरे राउंड में यहां से लेकर जहां हमने शुरू किया है यहीं पे हमने पूरे राउंड में आना है, यहीं पे हमने एंड करना है, और उसके बाद हमें बनाना शुरू करना है। तो पहले हम इसमें फंदे उठा लेते हैं कि किस तरीके से मैं इसमें हम फंदे उठाएंगे। तो देखिए ये राउंड पिन में आप देखेंगे सर्कुलर नीडल में मैंने यहां तक इस तरीके से उठाया। आप देखिएगा आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे इसका जो है ये वाला पार्ट है। अब आपने क्या करना है आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये सारे फंदे हमने इसके वायर में उतार देने हैं इस तरीके से। आप इन्हें खींच लीजिएगा ऐसे, ये देखिए अब ये आपने पूरी वायर में इस तरीके से फंदे लिए हैं, और इसे आप खींचेंगे क्योंकि अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ हमारा एंड हुआ है, हमने फंदे उठाए हैं, यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है। तो हम इस वायर को बेसिकली ऐसे खींचेंगे इस तरीके से। अब इसे आप घुमाएंगे ऐसे। अब ये फंदे हमने इस तरीके से ऐसे करके, ये देखिएगा क्योंकि हमने अब यहाँ से बनाना शुरू करना है तो इसे हम खींच के इस पे वायर रखेंगे, ये सारे इस तरीके से रहेंगे आप देख रहे हैं। इन फंदों को धीरे धीरे हम यहाँ से चढ़ाते हुए जाएंगे और इन्हें हम इस तरीके से पीछे करते हुए जाएंगे। अब आपका ये धागा है और ये आपकी दूसरी वायर, इसी की अटैच्ड वायर है, इसी के साथ है कि जो जिससे हमने बनाना है। अब मैं दो सीधे दो उल्टे करूँगी क्योंकि ये मैं हाई नेक बना रही हूँ। तो ये फंदे इस तरीके से देखिए आप मैंने इस पे ले लिए। अब यहाँ से शुरू करेंगे इस वाली, उससे यहाँ से आप शुरू करेंगे। धागा यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा धागा यहाँ है, आपने वायर ऐसे खींची है और ये चीज़ यहाँ है। ये आप कहीं पे किसी पे भी इस तरीके से सर्कुलर नीडल से बना सकते हैं। तो देखिए ये आपने किया एक, अगेन आपने दूसरा फंदा लेना है, दो सीधे करने हैं, दो सीधे, अब धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे, अगेन धागा आगे दो सीधे, दो उल्टे। अब ये आपने इस तरीके से इस पे लेते हुए जाना है फंदे। अब पहली बार में तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइट होता है, उसके बाद ये फंदे बिल्कुल
अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये इस तरीके से हम लेंगे ऐसे, और जब आपको लगे कि आपके फंदे इस सिलाई में ज़्यादा आ गए तो आपने उसे खींच देना है। मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी आप पहले देखिएगा, ये आपने किया, दो सीधे हो गए, अगेन दो उल्टे, अगेन दो सीधे, हाई नेक में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आगे और पीछे दोनों तरफ के फंदे बराबर होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये फंदे इस सिलाई पे ऐसे भर गए। अब आपने क्या करना है, आपने ये सिलाई इस तरीके से, क्योंकि बनाने में प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे ऐसे देखेंगे आप, ये यहाँ से शुरू किया है, आपने इस सिलाई को ऐसे खींच देना है और अगेन यहाँ से आपने शुरू कर देना है। इसी तरीके से आपने करते हुए जाना है। पहली लाइन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अदरवाइज तो स्मूथली बनता है ये। अगेन यहाँ से हम शुरू करेंगे, दो सीधे। अब ये इस तरीके से आप चढ़ाते हुए जाएंगे, ये दो सीधे किए, दो उल्टे। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से लास्ट तक करते हुए जानी है, इसे खींचना है और यहाँ पर आपने बनाते हुए जाना है। देखिएगा ये दो आपने उल्टे बनाए, अगेन आपको लग रहा है कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, आप इसे खींच लीजिएगा। अब ये देखिएगा, ये देखिए आप इस वायर पे इस तरीके से आएगा और इस वायर को आपने ऐसे खींचना है ताकि ये वाले फंदे जो है आपके, ये वाले यहाँ होते हुए इस लाइन पे चढ़ते हुए जाए। इस तरीके से हम इस सर्कुलर नीडल से बनाते हैं। देखिएगा ये आया, अब यहाँ पर हमने दो उल्टे किए हैं, दो सीधे करने हैं, धागा आगे की तरफ रहेगा और दो सीधे। धागा ऐसे रहेगा तो देखिएगा गैप बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अलग तरीके से रखे तो फिर गैप आएगा। आप ऐसे रखिएगा, देखिए गैप बिल्कुल भी नहीं आएगा, दो सीधे दो उल्टे करते हुए अब आपको जाना है। इसी तरीके से हमें राउंड राउंड सर्कुलर नीडल में ऐसे ही बनाना होता है। अभी मैं एक लाइन पूरी करके फिर आपको दूसरी लाइन दिखाती हूँ किस तरीके से होगा। तो देखिए पहली लाइन करने पे हम यहाँ पे लास्ट में आए हैं, यहाँ से ये मैंने मार्क लगाया, बेसिकली आप भी लगा लीजिएगा ये समझने के लिए कि यहाँ से हमने शुरुआत की है, क्योंकि जब हम राउंड सर्कुलर नीडल पे बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने शुरुआत कहाँ से की है। तो देखिएगा ये दो फंदे से हमने शुरुआत की है, तो ये दो फंदे सीधे थे, ये लास्ट के दो फंदे उल्टे आए हैं। अब देखिए किस तरीके से मैं चलाऊंगी। आप पहली लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है चलाते हुए, अदरवाइज बिल्कुल स्मूथ चलता है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा लास्ट हुआ है, अब आप इसे खींच लीजिएगा। देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से आया है, 96 फंदे उठाए हैं मैंने इसमें। अब ये देखिए इस तरीके से ये गोल आया है, अब ये गोल ही बनता जाएगा, इसमें कहीं भी आपको सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको चार सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से ये शुरुआत है, बस अपना मार्क लगा लीजिएगा और जितना लंबा हाई नेक आप बनाना चाहती है आप उतना जो है उसे बनाइएगा। बस इसे आपने इस तरीके से, ये आपने ऐसे वायर खींचनी है और यहाँ स्टार्टिंग में आपने इसे इस तरीके से इस नीडल पे आपने चढ़ाना है। तो देखिएगा यहाँ से शुरुआत होती है, ये धागा ऐसे है, ऐसे आपने। सेकेंड लाइन से बहुत स्मूथली बनना शुरू होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है सर्कुलर नीडल में कोई भी। ये देखिएगा, आप देखेंगे पहली लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, सेकेंड लाइन से ये बिल्कुल आराम से बनना शुरू होएगा। आप इसे बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से इसे आप बना सकते हैं। तो देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आराम से आप इसे इस तरीके से बना पा रहे हैं और ये सिलाई पर भी आराम से चढ़ रहा है। देखिएगा बस आपने इस तरीके से, जैसे ही आपकी सिलाई भरती है आपने उसे खींच लेना है, धीरे धीरे ये आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से करना है और इसे इस तरीके से इस सिलाई पे लेना है। देखिएगा अब आप इसे पूरा जितना लंबा चाहेंगे उतना बना लीजिए हाई नेक के लिए और उसके बाद उसे बंद कर दीजिएगा। तो आपका हाई नेक जो है बच्चों का, जिसके लिए भी आप बनाएंगे, मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ इस समय, तो ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये दो फंदे इस तरीके से, दो उल्टे, आप चाहे तो एक सीधा एक उल्टा भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने दो सीधे दो उल्टे ही करने
करने हैं। देखिएगा इस तरीके से बड़े स्मूथली बनता है, कोई दिक्कत नहीं आती है सर्कुलर नीडल में आपको। तो देखिए ये मैंने इसको जो है हाई नेक इस तरीके से बना लिया है। तो देखिए ये यहाँ से मैंने बनाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 इंच के आसपास जो है पूरा किया हुआ है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा बड़ा भी रख सकती है, 1/2 इंच ऊपर भी इसे रख सकती है। और उसके बाद मैंने ये सेकेंड कलर, जैसे ऑलरेडी मैं इसमें नीचे डाल चुकी हूँ तो इसलिए मुझे ये सेकेंड कलर डाल के इसे मैंने बंद कर दिया। तो देखिएगा हाई नेक इस तरीके से आपका। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ मैंने इसमें थोड़ी सी कटिंग की है, अगर आप चाहे तो इसमें कटिंग नहीं भी करेंगे और बिना कटिंग किए हुए यहाँ ऊपर कंधे तक आकर सिर्फ कंधों को ज्वाइन करके ये फंदे ऐसे ही छोड़ के इसे हाईनेक भी बना सकते हैं। हम दो तरीके से बनाते हैं, या तो थोड़ी सी कटिंग करके या विदाउट कटिंग। ये मैंने आपको कटिंग वाला बताया है, इसके अगले उसमें मैं आपको कटिंग वाला भी विदाउट कटिंग भी बताऊँगी कि बिना कटिंग के जो हम गले में इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं उसके बिना भी हम हाई नेक को बना सकते हैं। जब भी आप बनाना चाहो, अगर वैसा बनाना चाहोगे तो शोल्डर तक आपने एज इट इज़ बनाना है। शोल्डर्स के जितने भी फंदे होंगे आपस में जोड़ लेंगे और ये फंदे आप छोड़ देंगे, इन्हें आप जोड़ेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे, ये फंदे छोड़ेंगे और इन्हीं को राउंड में उठा के आप हाई नेक जो है इस तरीके से बना सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं बेसिकली हाई नेक बनाने। देखिए फिर इस तरीके से हम इसे हाई नेक को बना लेते हैं। थैंक यू।